हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन बताऊं तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में होती है सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। चलो मैं लिख भी देता हूं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से पढ़ने से पहले मैं आपको टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बता रहा हूं। लिखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसके टाइप्स की बात करें तो कौन कौन सी रिएक्शन होती है। एक होती है सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड वन है एडिशन, थर्ड वन है एलिमिनेशन और फोर्थ इसी के अंदर हम पढ़ लेते हैं रीअरेंजमेंट। इनके बारे में डिस्कस करना है। अब सब्स्टिट्यूशन, ये भी कई टाइप की सब्स्टिट्यूशन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में भी सबसे पहले किसकी बात करेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, सब्स्टिट्यूशन। देखो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो जैसे मैंने एक रिएक्टेंट लिया, सब्स्टिट्यूट कर देना, ये बोलते हैं ना कि उसने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी उसको हटा के दूसरे को ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए बी और यहाँ पर लिखा सी, अब ये बी को हटा दे सी आ जाए तो बी का क्या हो गया यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर इसकी जगह पे आ गया सी और बी है ये हट गया। तो इस टाइप की बेटा जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ। और इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो हेडिंग लिखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इसको भी नोट कर लीजिए। ये आपको आउटलाइन बताइए कि ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसको हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। देखो हम बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करें। देखिएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे होते। जैसे मैंने यहां पर ले लिया मेथेन, इसका हेलोजिनेशन करवाते, मान लो क्लोरीनेशन मैंने करवाया, इसके एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे हेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसे मैथेन हो गए, जैसे एग्जांपल मैं लिखूं तो यहां पर मैंने लिख दिया हेलोजिनेशन ऑफ मैथेन, इसका हेलोजिनेशन करवा रहा हूं। और हेलोजिनेशन में हेलोजन कौन सी ले सकते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसके लिए भी कंडीशन होती है, उसको भी बताएंगे, इनको ले रहे। जैसे मैंने यहां पर क्लोरीनेशन करवाया, क्लोरीनेशन ऑफ मैथेन ले रहा हूं। जैसे मैंने फिर एग्जाम्पल लिया इसी के अंदर क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, इसका क्लोरीनेशन मैं आपको बता रहा हूं कि मेथेन उसको किस टाइप से क्लोरीनेशन करवाया जाता है। तो बेटा मेथेन आपने लिया, इसकी रिएक्शन आपने करवाई क्लोरीन के साथ में, क्लोरीन के साथ में करवाते हो, सनलाइट है इसकी प्रेजेंस में, या प्रोक्साइड है इसकी प्रेजेंस में, या फिर हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो यहां पर यह ब्रेक होकर फ्री रेडिकल देते हैं, और मैंने मान लिया कि यहां पर Cl2 एक्सेस में है, इसको मैंने एक्सेस में लिया। पहले आउटलाइन बता रहा हूं फिर इसकी डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ेंगे। जैसे क्लोरीन है उसको एक्सेस में लिया तो पहले क्या बनेगा, CH3Cl, उसके बाद में फिर क्लोरीन रिएक्ट करेगा यहां पर, फिर किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन हटता जाएगा, सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीनेशन करवा रहे इसका मतलब क्लोरीन ऐड होता जाएगा, तो क्या बनेगा CH2Cl, फिर क्लोरीन रिएक्ट करेगा क्या बनेगा CHCl3, फिर यहां पे क्लोरीन है वो रिएक्ट करेगा किसका फॉर्मेशन करेगा CCl4। ठीक है, ऐसे ही अगर बेटा यहां पर इस वाली रिएक्शन में मैंने मेथेन को अगर एक्सेस में ले लिया होता, अगर मैंने मेथेन को एक्सेस में लिया और फिर यहां पे इसका क्लोरीनेशन किया, कंडीशन यही है सनलाइट, SnO, प्रोक्साइड या फिर हाई टेम्परेचर, तो यहां पे फॉर्मेशन होता है सिर्फ CH3Cl इसका फॉर्मेशन होता, साथ में क्या बन जाता है HCl, प्रत्येक स्टेप में HCl तो निकलेगा। ठीक है, तो Cl2 उसको एक्सेस में लेते हैं तब तो ये वाले प्रोडक्ट बनते जाते हैं, और मेथेन इसको एक्सेस में लिया तो मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो इसकी डिटेल में के नीचे हम बताते हैं कि किस टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है। चले देखो, हेडिंग लिखेंगे क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन और इसकी मैकेनिज्म, किस टाइप से इसकी मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, किस टाइप से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसके क्या मैकेनिज्म होती है इसकी बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म यहां पर बेटा मैकेनिज्म लेते हैं, यहां पे तीन स्टेप में मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहले
चैन इनिशिएशन, फिर चैन प्रोपोगेशन और फिर टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल भी बोल सकते हो आप। तो यहां पे तीन स्टेप में मैं कर रहा हूं रिएक्शन। स्टेप फर्स्ट मैंने यहां पे लिख दिया स्टेप फर्स्ट चैन इनिशिएशन या फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, चैन इनिशिएशन। और ये वाली जो प्रोसेस होती है वो एंडोथर्मिक है, यानी यहां पर हाई हीट की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में बॉन्ड है वो होमोलाइटिक फिजन करता है और होमोलाइटिक फिजन से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। देखो कैसे होगा, जैसे मैंने यहां पे क्लोरीन लिया, ये होता है ClCl। यहां पर बेटा हाई टेम्परेचर और सनलाइट की प्रेजेंस में ये वाले बॉन्ड ब्रेक होते हैं ऐसे, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। अब जैसे ही ब्रेक होता है होमोलाइटिक फिजन होता है, तो दोनों सीएल है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है, इसको बोल देते हैं होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन होगा क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इसका फॉर्मेशन हो जाता है होमोलाइटिक फिजन, इधर ही लिख देता हूं, होगा होमोलाइटिक फिजन। फ्री रेडिकल होता है ये हाईली एक्टिव स्पीसीज मानी जाती है जो आगे चेन को फिर प्रोपोगेट करती है। तो सेकंड होता है स्टेप सेकंड में, पहले में तो चेन इनिशिएट होगी और स्टेप सेकंड चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन। यहां पे चेन है वो प्रोपोगेट करती है और यहां पे ये वाली होती है वो एक्जोथर्मिक होती है, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में एक्जोथर्मिक होती है, बट I2 के केस में ये वाली भी क्या होती है एंडोथर्मिक, जिसको बेटा मैं अलग से भी आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं करनी है, घबराना नहीं है। तो यहां पे देख रहे हैं कि सबसे पहले चेन इनिशिएट किया आपने, चेन इनिशिएशन हो गया, फ्री रेडिकल इसका फॉर्मेशन हो गया, ये आपके पास में क्या बन गई फ्री रेडिकल, एक एक्टिव स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया जिसका नाम क्या है फ्री रेडिकल। चेन प्रोपोगेशन में देखिए मेथेन का ही कर रहे हैं हम, जैसे ये मेथेन लिया, तो यहां पर भी क्या होता है होमोलाइटिक फिजन होगा, इसका होमोलाइटिक फिजन होता है, यहां पे भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और वहां पे क्या प्रेजेंट है सीएल। यहां पे देखो ये होमोलाइटिक क्लीवेज होने से, यहां पे ये होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो इस पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ये फ्री रेडिकल बन गया सी एस थ्री जो सीएल के साथ में रिएक्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा सीएल, इसका फॉर्मेशन करेगा। चेन वो आगे से आगे प्रोपोगेट होती जाती है, आगे से आगे चलती जाती है इस टाइप से। यहां पे मिथाइल फ्री रेडिकल इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इस टाइप से बनती जाती है। और साथ में क्या होगा, ये सीएल ये भी ब्रेक होगा, किसका फॉर्मेशन होगा सीएल, ये फिर से यहां पे क्या होगा रिपीट, ऐसे रिपीट होते जाती है, नहीं चैन है वो आगे से आगे और दूसरे मॉलिक्यूल है उसको भी क्या कर देती है प्रोपोगेट करती चलती है, ठीक है। स्टेप थर्ड, स्टेप आपकी थर्ड, थर्ड स्टेप में होता है चैन टर्मिनेशन, चैन टर्मिनेशन। और चैन टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा, जो बने हुए फ्री रेडिकल है वो आपस में कंबाइन होकर, फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते जाते हैं, लास्ट में रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, आपने प्रोडक्ट उसका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहां पर सीएल प्रेजेंट था वो दूसरे सीएल के साथ में भी रिएक्ट कर लेता है और किसका फॉर्मेशन करता है सीएल टू का, या फिर वो फ्री रेडिकल है वो सी एस थ्री रेडिकल इसके साथ में तो रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहा था सी एस थ्री सी एल का फॉर्मेशन कर रहा था। साथ में बेटा यहां पर अगर आपके पास में ये सी एस थ्री फ्री रेडिकल है, ये दूसरे सी एस थ्री फ्री रेडिकल है इसके साथ में भी कंबाइन होते हैं और किसका फॉर्मेशन होता है ऐसे एथेन है, इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट तो यहां पर ये मान लेते हैं सी एस थ्री सी एल, लेकिन ये वाले प्रोडक्ट इनका भी फॉर्मेशन होता चलता है साथ में, क्लियर हुआ। तो यहां पे हमने क्या किया, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, इस मैकेनिज्म में हमने क्या देखा है क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, और वहां पे हमने किसको एक्सेस में लिया है, एक टाइप से मेथेन इसको एक्सेस में लिया, ठीक है। और बता देते हैं, जैसे मैंने क्लोरीन है उसको एक्सेस में लेके फिर इसकी मैकेनिज्म बताऊं, यहां पे तो मैंने क्या लिया ये मेथेन और एक जनरल रिएक्शन दी है एच न्यू वो प्रोक्साइड हाई टेम्परेचर, यहाँ पे जनरली किसका फॉर्मेशन होता है सी एस थ्री सी एल, साथ में क्या बनता है एच सी एल, यहाँ से जो एच निकलेगा वो सी एल के साथ में रिएक्ट करके साथ में क्या बनाएगा एच सी एल का भी फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उतार लो,
दिखाई तो दे रहा ना। और बेटा अगर क्लोरीन है उसको एक्सेस में लेते हैं, क्लोरीन को एक्सेस में आपने लिया, तो क्लोरीन को एक्सेस में लेकर ऊपर बताया भी था कौन कौन से प्रोडक्ट इसका फॉर्मेशन हो जाता है, बिठा दें इसको। देखो जैसे Cl2 है उसको एक्सेस में लिया, जैसे मैंने एग्जांपल के अंदर ये ले लिया CH4 Cl2, इसको एक्सेस में ले लिया, तो यहां पे इस टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। CH2 Cl2 लगा दिया मैंने, पहले CH3 Cl फिर CH2 Cl2, इस टाइप के प्रोडक्ट उनका फॉर्मेशन होगा। और भी आगे से आगे होते जाएंगे, बता रहे पूरी मैकेनिज्म के साथ में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो वही स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, चैन इनिशिएशन, चैन इनिशिएशन, दोनों की चैन इनिशिएशन में सेम स्टेप होती है। देखो होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, किसकी प्रेजेंस में, एस न्यू सनलाइट प्रोक्साइड एच टी हाई टेम्परेचर, होमोलाइटिक क्लीवेज होने से क्या किसका फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल बन गए, ये बन जाते हैं आपकी फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इनका फॉर्मेशन हो गया। स्टेप सेकेंड, सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, चेन इनिशिएट होगी, अब चेन को प्रोपोगेट करोगे तो क्या होगा, चैन प्रोपोगेशन, चैन प्रोपोगेशन। पहली वाली चैन इनिशिएशन कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक, उसके बाद की रिएक्शन कौन सी होती है, एक्जोथर्मिक। लेकिन आपके पास में अगर आयोडीन होता है तो आयोडीन की प्रेजेंस में कौन सी होगी, आयोडीन की प्रेजेंस में एंडोथर्मिक। तो यहां पे बेटा आप देख रहे हो ये देर का सी एच टू सी एल टू, ये फॉर्मेशन हुआ। एक बार मैं इसमें इंक भर लेता हूँ। देखिए बेटा चेन प्रोपोगेशन है, फर्स्ट स्टेप में तो Cl जुड़ चुका है, इसी से स्टार्ट करते हैं, सी एस टू सी एल है, इससे स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए दे रखा आप, इससे स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां पर ये देखो फ्री रेडिकल, इसकी प्रेजेंस में यहां पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, इसके केस में यहां पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, क्या बनेगा सी एच टू सी एल फ्री रेडिकल, और साथ में यहां पे क्या होगा सी एल है, ये ब्रेक यहां पे भी होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन यहां पे भी होगा, तो क्या बन जाएगा सी एच टू सी एल टू, इसका फॉर्मेशन होगा। और ये वाली रिएक्शन अब बार बार रिपीट होगी, ठीक है। पहले चेन इनिशिएट कर लिया आपने, उसके बाद में चेन का प्रोपोगेशन हो गया, और थर्ड स्टेप में क्या होता है, चेन टर्मिनेशन, स्टेप थर्ड चैन टर्मिनेशन। चैन टर्मिनेशन, तो देखो चैन टर्मिनेशन में क्या होगा, ये आपस में फ्री रेडिकल वो मिलते जाएंगे, जैसे यहां पे सी एस टू और सी एल फ्री रेडिकल है, वो दूसरे सी एल फ्री रेडिकल से मिलकर क्या बना लेगा सी एल टू, ऐसे यहां पे देखो सी एच टू सी एल है ये फ्री रेडिकल, दूसरे सी एच टू सी एल फ्री रेडिकल इसके साथ में मिलेगा, क्या बन जाएगा सी एल सी एच टू सी एच टू सी एल, इसका ही फॉर्मेशन होगा। क्या रिएक्शन है ये और आगे प्रोपोगेट होती जाएगी, तो यहां पर साथ में किसका फॉर्मेशन होगा, इससे सी एच सी एल टू बनेगा, उसके बाद में क्या बन जाएगा सी एच सी एल थ्री बनेगा, सी एच सी सी एल फोर है, इसका फॉर्मेशन होगा। शॉर्ट में दिखा रहा हूं, तो Cl2 उसको एक्सेस में लोगे तो ये वाले प्रोडक्ट के साइड में इसका भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब बताते हैं बेटा हेलोजिनेशन है उसका ऑर्डर बता देते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन है उसकी रिएक्टिविटी बता रहे या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन हेलोजन्स। बात करें रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन,
रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। ओवरऑल ऑर्डर बता देता हूं पहले मैं, ये वाला ऑर्डर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर है। यहां पर मैं स्टेप वाइज उसको भी समझा देता हूं आपको, ऑर्डर ऑफ हेलोजिनेशन में। जैसे बेटा मैंने यहां पे ये लिखा, जैसे ये लिख दिया, पहला है चैन इनिशिएशन। चैन इनिशिएशन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और चेन इनिशिएशन है, एंडोथर्मिक है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी रिक्वायरमेंट होगी I2 को तोड़ने के लिए, तो ये वाला ऑर्डर होता है I2, Br2, Cl2 और F2। उसके बाद में सेकेंड में चैन प्रोपोगेशन, चैन प्रोपोगेशन। और बेटा ये देखा जाता है चैन प्रोपोगेशन ना वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है एक्सेप्ट I2, I2 को छोड़कर। I2 के केस में वो कैसी होगी, I2 के केस में अभी भी वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि I2 की प्रेजेंस में जो ब्रेक होता ना ये एंडोथर्मिक है, CH3I बन जाता है। उसके बाद वाली जो प्रोसेस ये चलती है प्रोपोगेशन की, जो प्रोसेस चलती है वाली कौन सी होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो ओवरऑल रिजल्ट अगर दोनों का देखते हैं, ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं तो बेटा ये वाला रिजल्ट आता है फ्लोरीन क्लोरीन हेलोजिनेशन का ऑर्डर ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ हेलोजिनेशन, ऑर्डर ऑफ हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन उसका ये ऑर्डर होगा ही नहीं। सबसे ज्यादा कौन सा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये होता है। ठीक है, तो बेटा जो हमने क्लोरीन के लिए पढ़ा था सेम मैनर से किसमें हो जाता है, ब्रोमीन में। जो क्लोरीनेशन होता वही क्या होगा, सेम इन केस ऑफ Br2, यानी ब्रोमिनेशन सेम मैनर से होगा जिस मैनर से क्लोरीनेशन हुआ। ठीक है, नोट कर लो। आयोडीन के केस में आयोडीनेशन की बात करें या फ्लोरीनेशन की बता देता हूं मैं, फ्लोरीनेशन की बात करें तो फ्लोरीनेशन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखो फ्लोरीनेशन में बेटा कुछ अलग से बात बता रहे हैं आपको, हम बात करें फ्लोरीनेशन, इसकी बात कर रहे हैं फ्लोरीनेशन की हम बात करें, फ्लोरीनेशन अगर हम बात करें फ्लोरीनेशन, तो देखो फ्लोरीन के केस में ये सी एच फोर है, मैंने एफ टू लिया, वही एच न्यू सनलाइट प्रोक्साइड हाई टेम्परेचर लो, तो ये मान लेते हैं ये फॉर्मेशन हुआ सी एच थ्री एफ और एच एफ। लेकिन बेटा ये वाली क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसको लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी यहां पे, आग भी लग सकती है, विस्फोट भी हो सकता है, एक्सप्लोजिव भी हो सकता है। तो इसलिए बेटा हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक नेचर होने के कारण इसको यूज में नहीं लेते। ठीक है, इसको यूज में नहीं लेंगे, इसकी जगह बेटा फ्लोरीनेशन आपको करना है तो फ्लोरीनेशन किया जाता है आयन एक्सचेंज मेथड से। किससे करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड से करते हैं। और जो प्रोसेस होती है वो होती है स्वाट, स्वाट रिएक्शन बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो लिख लेना यहां पर, आप फ्लोरीनेशन के केस में लिखेंगे ड्यू टू हाईली एक्सोथर्मिक नेचर, एक्सोथर्मिक, इट इज नॉट फॉर्म इन लेबोरेटरी थ्रू फ्लोरीनेशन। तो यहां पे हम किसको काम में लेंगे, आयन एक्सचेंज, स्वाट रिएक्शन होती है, वैसे ट्वेल्थ में आता है। चलो मैं यहीं पे बता भी देता हूं, जैसे दे रखा है सी एस हो सकता है, सी एस हो सकता है, सी एस हो सकता है, आपने यहां पे लिया AgF या HgF2 SbF3, तो इनकी प्रेजेंस में आयन एक्सचेंज हो जाता है, CH3F है ये मेन प्रोडक्ट है इसका फॉर्मेशन। और इस रिएक्शन को नाम क्या दिया जाता है, स्वाट रिएक्शन। फिर से बेटा आपको बता देते हैं, हम बात करें फ्लोरीनेशन की, फ्लोरीनेशन है वो डायरेक्ट जैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कर रहे थे वैसे नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रोसेस होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है।
जबकि बाकी में आप कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। तो इसको बनाने के लिए आप किसको काम में लेंगे, आयन एक्सचेंज मेथड को काम में लेते हैं, और इस रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, फिर देखो आयोडीनेशन, इसको नोट कर लो। इसके बाद में हम चलते हैं आयोडीनेशन, कि आयोडीनेशन है वो कैसे किया जाता है। बेटा आयोडीनेशन करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आएंगे, उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग लिखेंगे आयोडीनेशन, और ये तो आप जान ही चुके हैं आयोडीनेशन की जो प्रोपोगेशन वाला स्टेप होता है वो एंडोथर्मिक होता है। हम बात कर रहे हैं आयोडीनेशन, आयोडीनेशन इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। देखो जैसे मैंने स्टेप फर्स्ट किया, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, चैन इनिशिएशन करते हैं। तो फर्स्ट है चैन इनिशिएशन, चैन को आपने इनिशिएट किया, चैन इनिशिएशन। देखो जैसे आयोडीन लिया, ये होता होमोलाइटिक फ्यूजन, इसका हुआ होमोलाइटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन, और ये टूट गया किसके अंदर, आई के अंदर। इसका फॉर्मेशन हो गया फ्री रेडिकल, है इसका फॉर्मेशन हो आपका क्या बन गया, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इसका फॉर्मेशन हो गया। फर्स्ट चेन इनिशिएशन, उसके बाद में करते हैं, और ये प्रोसेस कौन सी होती है आप ये जानते हो, ये तो सभी के अंदर एंडोथर्मिक प्रोसेस है। स्टेप सेकेंड, सेकेंड स्टेप में देखिएगा क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में चैन वो प्रोपोगेट होती है, चैन प्रोपोगेशन होता है। तो यहां पे क्या होगा, चैन प्रोपोगेशन, चैन प्रोपोगेशन में देखिएगा क्या होगा, यहां पे आपके पास में था CH4, यहां पर फ्री रेडिकल था, ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, CH3I, और क्या बन जाएगा, HI। साथ में यहां पर CH3 रेडिकल मिला है, इसकी प्रेजेंस में ये I2 वाला है, ये भी ब्रेक होगा, क्या देगा, CH3I, और ये वाली रिपीट होती जाएंगे इसे। ठीक है, और बेटा ये वाली जो प्रोसेस होती है वो भी हाईली एंडोथर्मिक होती है, ये प्रोसेस भी क्या होती है, हाईली एंडोथर्मिक। और यहां पर एक दिक्कत और आती है, यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, ऐसे ही का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, ऐसे ही का फॉर्मेशन हो जाता है, और ऐसे ही होता है वहां पर आई नेगेटिव होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यहां पर आई नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसकी प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, वो रिवर्सिबल होने लगती है, यानी बैक साइड में जाने लगती है, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस, रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन बिकम रिवर्सिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HI। HI में क्या होता है, आई नेगेटिव तो होता, बेटा देखो ये होता, मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में बता देता हूं। देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये होती है, F2, Cl2, Br2 और I2, ये होती है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये वाले होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बेटा स्ट्रॉन्ग का प्रोडक्ट होता है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रोडक्ट होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होगे, खुद दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट क्या होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, ऑक्सीडाइज टू अदर सबस्टेंस एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। तो यहां पर ये खुद जब रिड्यूस होंगे तो इसमें कन्वर्ट होंगे Br नेगेटिव, I नेगेटिव, तो यहां पर भी ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये होगी इसकी, रिड्यूसिंग पावर, यानी ये वाले होते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और ये वाले दोनों क्या होते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ध्यान में रखना बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रोडक्ट वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है हैलोजन में, आयोडाइड, हैलाइड्स के अंदर कौन सा होगा, आयोडाइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट।
तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल। तो इसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा हमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनको काम में लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को काम में लेते हैं, और वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको काम में लेते हैं, जैसे HNO3 है या HIO3 इनको काम में लेते हैं, और इनकी प्रेजेंस में देखो क्या होगा, एच आई है वो इनकी प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाती है, I2 में, ये ऑक्सीडाइज हो जाती है। क्लियर हुआ, ये ध्यान में रखना है। तो फ्लोरीन है, फ्लोरीनेशन नहीं होगा, फ्लोरीनेशन में तो किसको काम में करना पड़ेगा, किसको काम में लेना पड़ेगा, स्वाट रिएक्शन है उसको काम में लेना पड़ेगा, और आपको आयोडीनेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपने किसको काम में लिया, उस प्रॉब्लम को आपने दूर करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको काम में लिया, और प्रॉब्लम किसके कारण आ रही है, प्रॉब्लम किसके कारण आ रही है बेटा, आयोडाइड के कारण आती है, क्योंकि आयोडाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये था बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया, सबसे पहले चेन इनिशिएट होगी, लाइट की प्रेजेंस में हेलोजन टूट जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, फ्री रेडिकल बनेगा, वो दूसरे को इनिशिएट करेगा फ्री रेडिकल बनाने के लिए, जैसे कोई हाइड्रोकार्बन है तो उसका एच वाला बॉन्ड टूट जाएगा, वो फ्री रेडिकल बन जाएगा, प्रोपोगेट होगी, रिएक्शन घूमती रहेगी, लास्ट में जो भी फ्री रेडिकल बन रहे हैं वो सारे आपस में मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।